हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। और मैं सुनील कुमार और इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फिर से एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है सैली टेक्स 10 मिनट्स टू गो फ्रॉम हाउस टू स्कूल, है ना। यानी सैली नाम की एक लड़की है जो हाउस से अपने घर से कहां जा रही है, स्कूल जा रही है। और स्कूल जाने में वो जो टाइम है लेट T1 और वो कितना ले रही है 10 मिनट, ठीक है, एंड 20 मिनट फॉर द रिटर्न जर्नी। और वापस आने में वो कितना टाइम ले रही है लेट T2 और वो क्या है 20 मिनट, है ना। जाने में स्कूल जाती है 10 मिनट में पहुंच जाती है, बट स्कूल से घर वापस आने में उसको टाइम कितना लग जाता है 20 मिनट। आगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हर हाउस इज 4 किलोमीटर। अब देखिए घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 किलोमीटर है, ठीक है। व्हाट इज हर एवरेज स्पीड, तो पहला क्या पूछ रहा है एवरेज स्पीड, क्लियर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यानी 4 + 4 गई और वापस आई, तो 4 + 4 किलोमीटर और टाइम क्या है T1 + T2 यानी 20 + 10 = 30 मिनट, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 8 × 1000 मीटर, है ना, और इधर हो जाएगा 30 × 60 सेकेंड, क्लियर। इट मीन्स 8000 मीटर अपॉन यहां पे हो जाएगा 1800, ठीक है, 20 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 80/18 मीटर/सेकेंड। अब देखिए 9 का टेबल में कट कर देते हैं, 2 का टेबल में 9 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 40 यानी 40/9 मीटर/सेकेंड। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 9 × 4 = 36, तो 4 अगेन फिर 4 मीटर/सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड है एवरेज वेलोसिटी, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वो अपने घर से गई कहां स्कूल और स्कूल से वापस कहां पे आ गई घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो, है ना, 30 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी रिजल्ट हमारा क्या हो गया 0, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड इज व्हाट 4.4 मीटर/सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर/सेकेंड, क्लियर।